नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे गंगा नदी पर बनने वाले एक और सिक्स लेन के बारे में। उत्तर बिहार के लोगों को एक और सौगात मिलने वाला है। दरअसल उत्तर बिहार से राजधानी पटना आने जाने में लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब गंगा नदी पर दो पुल का निर्माण हो गया है, जिसके बाद से लोगों को परेशानी से अब जो है थोड़ी सी राहत मिली है। गांधी सेतु पुल बन जाने के बाद से अब गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन लगनी बंद हो गई है। बता दें कि जेपी सेतु पुल भी गांधी सेतु में जाम के समय लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित हुआ था। बता दें कि गांधी सेतु पुल के समानांतर चार लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसके साथ साथ जेपी सेतु के समानांतर भी छह लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसके बाद से गांधी सेतु और जेपी सेतु पर भारी वाहनों के दबाव कम हो जाएगा। अब उत्तर बिहार से पटना आना जाना आसान हो जाएगा। गंगा नदी पर बन रहे इस नए पुल के बारे में यह बताया जा रहा है कि यह छह लेन पुल का निर्माण गांधी सेतु और जेपी सेतु के दबाव को कम करने के लिए किया जा रहा है। इस पुल के निर्माण होने में कुल 2200 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि अक्टूबर में इस पुल का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है और अगले 3 से 3.5 साल के बीच में इस पुल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। अगर हम इस पुल के वर्तमान स्थिति को देखें तो इस पुल पर सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। इस नए पुल की कुल लंबाई 4.5 किलोमीटर होने वाली है। इस पुल का निर्माण जेपी सेतु के पश्चिम हिस्से में 180 मीटर की दूरी पर होगा, जो कि दीघा से सोनपुर की ओर सड़क पुल का निर्माण किया जाएगा। बता दें कि इस पुल में 40 मीटर चौड़ा होगा। इस पुल पर रेलवे ट्रैक नहीं बनाया जाएगा। मंत्रालय ने यह साफ कहा है कि इन दोनों पुलों पर भारी वाहनों का ज़्यादा दबाव है, जिसके कारण एक नए पुल का निर्माण किया जा रहा है। सीधी सी बात है, गांधी सेतु और जेपी सेतु, इन दोनों पुलों पे भारी गाड़ियों खास करके ट्रकों का जो संचालन होता है उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा इजाफा है ट्रकों को लेकर खास करके। ऐसे में आम लोगों को जो है इससे परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जब सिक्स लेन पुल जब दीघा और सोनपुर के बीच में जब बन जाएगा तो ऐसे में गांधी सेतु पर तो दबाव कम होगा ही होगा, साथ ही साथ जेपी सेतु पर भी इसका दबाव कम हो जाएगा। जेपी सेतु के समानांतर छह लेन पुल के निर्माण को लेकर सर्वे का काम हो गया, साथ ही साथ गांधी सेतु के समानांतर भी चार लेन पुल का निर्माण कार्य जारी है। इस पुल के निर्माण को लेकर पुल का निर्माण कार्य जो है वो किया जा रहा है। गांधी सेतु के समानांतर बन रहे इस पुल की कुल लंबाई 14.5 किलोमीटर की होगी। बता दें कि इस पुल का निर्माण पटना के राष्ट्रीय राजपथ 19 पर किया जा रहा है। इस पुल का निर्माण के लिए कुल 2926.42 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। आपको बता दें कि इस पुल का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1.40 लाख करोड़ बिहार पैकेज के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। यानी कि गांधी सेतु के समानांतर जो फोर लेन जो सड़क का निर्माण किया जा रहा है उसका जो पूरा खर्च है वो प्रधानमंत्री की तरफ से जो पैकेज की घोषणा की गई थी 1.40 की, उसी परियोजना के तहत उस पुल का जो है निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस परियोजना की शुरुआत 12 अक्टूबर 2020 को की गई थी। पुल के निर्माण के लिए 1,794.37 करोड़ रुपये की राशि अवार्ड की गई थी। कहा जा रहा है कि गंगा नदी पर छह लेन पुल बन जाने के बाद से बिहार में व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे। व्यापार की दृष्टि से बाजार के लिए भी यह काफ़ी लाभदायक होने वाला है। साथ ही साथ उत्तर बिहार के लोगों को एक बड़ी समस्या होती रही है पटना आने और जाने की, जिससे उनको जरूर राहत मिलेगी, क्योंकि गांधी सेतु पर एकमात्र पुल था जिससे कि लोग आवाजाही करते थे, लेकिन अब गांधी सेतु के साथ जेपी सेतु और दोनों ही सेतु के समानांतर में एक और पुल का निर्माण किया जा रहा है, जो कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। प्रदेश के दूसरे हिस्से में जाने वाले लोगों को भी इससे राहत मिलने वाली है। ऐसे में कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के लोगों को इससे काफ़ी लाभ मिलेगा और लोग जो है बहुत ही आसानी से अपने पूरे प्रदेश में ही एक जगह से दूसरे जगह पर आ जा सकेंगे। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।